आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इससे पहले आइसोमेरिज्म जब हमने स्टार्ट किया था, दो टाइप के हमने आइसोमर पढ़े थे। एक था हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा था स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर की हम बात कर चुके हैं, जिसके अंदर क्या होता था, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती थी, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके अराउंड जो लिगेंड की बॉन्डिंग अलग अलग होती थी दो आइसोमर के अंदर। अब इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर, इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर जब स्टार्ट करने से पहले स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर, तो अगर स्टीरियो आइसोमर की बात करता हूं तो स्टीरियो आइसोमर हम उन कम्प्लेक्स को बोलेंगे जिन कम्प्लेक्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनकी लिगेंड की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो इन स्पेस, तो हम उनको बोलेंगे ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। यानी कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो द कम्प्लेक्स having same molecular formula but different orientation of ligand in space are called stereoisomers। स्टीरियो आइसोमर को हम स्पेस आइसोमर भी बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्पेस आइसोमर। और ये जो फिनोमिना है इसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म। अब ये नया वर्ड आया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, एक सेंट्रल मेटल आइटम होगा, उसके अराउंड स्पेस के अंदर जो लिगेंड की पोजीशन है वो अलग अलग हो। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, ये अच्छे से समझ में आएगा आप। देखो एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट है हमारा, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकेंड है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो पहला पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो क्या होता है? सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम डिफाइन करते हैं, अगर मेरे पास दो कम्प्लेक्स हैं, उन दोनों कम्प्लेक्स के अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन लिगेंड की रिलेटिव पोजिशन अलग अलग है, दो लिगेंड है उन दोनों के अंदर एंगल अलग अलग है, तो हम बोलेंगे कि ये जो आइसोमर है, ये जो कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम डिफाइन करेंगे द कंप्लेक्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लिगेंड की रिलेटिव पोजीशन है, मतलब उनके बीच का जो एंगल है, अगर वो चेंज हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे दीज आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। सेकेंड वन ऑप्टिकल आइसोमर किनको बोलेंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर मेरे पास वो कम्प्लेक्स होंगे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनका बिहेवियर टुवार्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट अलग अलग होगा, वो हम आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे जब इंडिविजुअल इस टॉपिक को पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बिहेवियर टुवार्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल एक्टिविटी वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जब इंडिविजुअल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टार्ट कर रहा हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर रिलेटिव पोजीशन चेक करनी है लिगेंड, और हमारे सिलेबस के अंदर दो तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें आइसोमेरिज्म चेक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उनकी जो ज्योमेट्री है वो बता देता हूं, किस तरह की ज्योमेट्री है। तो देखें, एक बार दो तरह के मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने हैं, कम्प्लेक्स पढ़ने हैं, एक तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और दूसरा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की दो ज्योमेट्री बनती है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो हम आगे वीबीटी के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर जान लो और उनका हाइब्रिडाइजेशन जान लो, डिटेल में हम जब वीबीटी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो तरह की ज्योमेट्री बनेगी, दो तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, एक तो टेट्राहेड्रल एंड सेकेंड वन इज द स्क्वायर प्लेनर। अब जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब बनेगी, जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर मॉलिक्यूल की सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो वहां पे जो ज्योमेट्री फॉर्म होगी उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है, तो आपने पढ़ा है बॉन्डिंग के अंदर इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी, बीच में सेंट्रल मेटल एटम लगा हुआ है और चार लिगेंड लगे हुए हैं इस तरह से। अगर यहाँ पे मैं मेटल मान लूं तो चार लिगेंड इस तरह से लगे होंगे और हर एक के बीच में जो एंगल होगा वो 109 डिग्री और 28 मिनट का होगा, ये आपको पता है। स्क्वायर प्लेनर की बात करूं तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन अगर DSP2 आती है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर प्लेनर। अब जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, इस स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ये मेरे पास मेटल है और उसके साथ 90 डिग्री पे चार लिगेंड लगे होंगे इस बोर्ड के प्लेन में इस तरह से। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे दिस इज द स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। अब ये जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है इसके अंदर दो लिगेंड्स के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होगा, एडजेसेंट लिगेंड्स के बीच का एंगल। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से होता है जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आती है D2SP3 या SP3D2, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल सेम स्क्वायर प्लेनर है, बस एक लिगेंड इसके अबव द प्लेन लगा देंगे और एक बिलो द प्लेन, यानी कि कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी आपके पास इस तरह की। ये चार लिगेंड एक प्लेन के अंदर होंगे, एक लिगेंड अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं तो देखो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसके अंदर चार बॉन्ड बने हुए हैं और हर बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री का है। इसके अंदर भी हर एक जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री का है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की बात करता हूं तो स्क्वायर प्लेनर हम इसी तरह से बना सकते हैं। देखो ये स्क्वायर प्लेनर बन गया हमारे पास, ये जो आप देख पा रहे हो दिस इज द स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर है। इसके अंदर जो इन एडजेसेंट लिगेंड के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये स्क्वायर प्लेनर है। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करता हूं तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल के अंदर दो लिगेंड और आ जाएंगे, एक अबव द प्लेन इस तरह से और एक बिलो द प्लेन इस तरह से। तो ये आपके पास जो ज्योमेट्री होगी इसको हम बोलेंगे दिस इज द ऑक्टाहेड्रल। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि चार जो लिगेंड है वो तो एक प्लेन में है साथ में सेंट्रल मेटल एटम, और एक लिगेंड अबव द प्लेन, एक लिगेंड बिलो द प्लेन। तो ये जो ज्योमेट्री है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल। तो इन तीनों ज्योमेट्री के अंदर टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल हमें क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। अब इसके अंदर देखो मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है इसको डिस्कस कर लेता हूं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह की, ये आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, इस तरह से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम, देखो बोर्ड पे एक बार हमें रिलेटिव पोजीशन चेक करनी है लिगेंड की। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर आपको पता है, टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर ये वाली है। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके अंदर देखो ये मेरे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, हर एक बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री का है, हर एक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का है। अब देखो मैं क्या करता हूं कि मान लिया हमारे पास ये लिगेंड है, मैं इसको यहां पे बना लेता हूं एक बार, ये मेटल है इस तरह से, ये मैंने कोई ए लिगेंड लिया, ये मैंने बी लिया, ये मैंने सी लिया और ये मैंने डी लिया, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है और सारे लिगेंड अलग अलग है। अगर
मैं इनकी पोजीशन चेंज करूं, इन लिगेंड को चेंज करूं और इनके बीच का बॉन्ड एंगल चेंज हो जाए तो क्या होगा? रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी, लिगेंड्स की रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए। अब देखो ये वाला मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। अब ए और बी के अंदर जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री का है, ए और बी के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री का है। मैं क्या करता हूं, मैं चेंज कर देता हूं, इस बी को यहां ले जाता हूं और सी को इधर ले आता हूं, यानी कि मैंने इस तरह की स्ट्रक्चर बना दी, सी यहां ले आया मैं और ये मैंने बी भेज दिया इसको यहां पे और ये हो गया डी और ये आपके पास है बीच में मेटल, ठीक है। अब अगर इनके बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल अगर 109 डिग्री नहीं रहा, मतलब चेंज हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे का, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। तो देखो चेक करते हैं, ये आपके पास ए है, ये बी है, मैंने इस बी को सी के साथ चेंज कर दिया, अगर मैंने बी को सी के साथ चेंज कर दिया तो स्ट्रक्चर बन गई ये वाली, ठीक है। अगर ये वाली स्ट्रक्चर बनी, पहले 109 डिग्री का एंगल था इसके अंदर, अब देखो कितना एंगल हुआ 109 डिग्री का, अब भी 109 डिग्री का एंगल रहा, इसका मतलब क्या हो गया, अब भी एंगल चेंज नहीं हुआ। अगर एंगल चेंज नहीं हुआ तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड चेंज नहीं हुई, अगर लिगेंड की रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई तो ये दोनों स्ट्रक्चर कैसी हैं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। अगर दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल आ गई, आप किसी को किसी के साथ रिप्लेस कर दो, क्योंकि हर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का है, तो जब आप रिप्लेस करोगे तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 109 डिग्री का ही रहेगा। तो इस केस में हम देखेंगे कि सारी स्ट्रक्चर आइडेंटिकल आ गई, डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं आई, इसलिए टेट्राहेड्रल कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। आसान काम हो गया हमारे लिए, तो टेट्राहेड्रल वाली स्ट्रक्चर खत्म। अब हमारे पास काम बचा सिर्फ स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल को पढ़ने का, कि स्क्वायर प्लेनर के अंदर किस तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होंगे, किस किस लिगेंड के साथ वो पढ़ेंगे और ऑक्टाहेड्रल के साथ। तो अब टेट्राहेड्रल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं स्क्वायर प्लेनर, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर स्क्वायर प्लेनर की बात कर लेते हैं। अब देखो जब स्क्वायर प्लेनर की बात करूंगा, स्क्वायर प्लेनर, अब स्क्वायर प्लेनर के अंदर देखो, ध्यान से देखना एक बार, स्क्वायर प्लेनर का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब चार लिगेंड लगे होंगे मेटल एटम के पास, ये मैंने सेंट्रल मेटल एटम मान लिया, उसके साथ चार लिगेंड लगे हुए हैं, इस टाइप का मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। अब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है और इसकी सारी पॉसिबिलिटी हम ड्रॉ करते हैं कि किस किस पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर हम लिगेंड अलग अलग रखें। तो देखो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर कि मैं क्या करता हूं, मेटल ले लेता हूं और चार लिगेंड लगाता हूं, चारों के चारों यूनिडेंटेड लिगेंड है और सेम टाइप के हैं, जैसे आपके पास हो गया PtCl4 2 नेगेटिव, ठीक है, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर एक मेटल आइटम है और चार, जो ए मैंने लिया है, जो मैं अब लिख रहा हूं वो सिर्फ यूनिडेंटेड लिगेंड के लिए लिख रहा हूं, यूनिडेंटेड ठीक है, यूनिडेंटेड आएगा यूनिडेंटेड लिगेंड। अब यूनिडेंटेड लिगेंड है मतलब डोनर आइटम एक ही है उसके अंदर, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल हो गया। ऐसे ही मैं अलग अलग केस बनाता हूं कि अगर मैं क्या करूं, एक सेंट्रल मेटल आइटम लूं, तीन लिगेंड सेम ले लूं और एक लिगेंड अलग ले लूं, ठीक है, ऐसे ही मैं कर सकता हूं, एक सेंट्रल मेटल आइटम लूं, दो लिगेंड एक जैसे ले लूं और दो लिगेंड एक जैसे ले लूं, ठीक है, फिर मैं कर सकता हूं एम, एक लिगेंड एक जैसा और तीन लिगेंड एक जैसे, वो तो यही सेम कहानी बन गई, सेम यही बात है कि तीन लिगेंड एक जैसे, एक लिगेंड एक जैसा, तीन लिगेंड एक जैसे, एक लिगेंड एक जैसा, तो इसको तो ये पॉसिबिलिटी तो इसी के अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास जो बनती है वो मैं कर सकता हूं, एक सेंट्रल मेटल आइटम लूं, दो मैं यूनिडेंटेड लिगेंड ले लूं ए टू टाइप के और दो अलग अलग ले लूं, और लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है यूनिडेंटेड के केस में, सारे के सारे लिगेंड अलग अलग हो जाए। इन सबको इंडिविजुअली पढ़ेंगे हम, इसके अंदर चेक करेंगे कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एम ए फोर टाइप, करना क्या है, रिलेटिव पोजीशन चेंज करनी है लिगेंड की और देखना है नई स्ट्रक्चर बनी क्या, अगर आइडेंटिकल बन गई तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, अगर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर बनती है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब देखो मैं सबसे पहले MA4 की बात कर रहा हूं, MA4 के अंदर क्या होगा, ये एक मेटल होगा, उसके साथ चार लिगेंड होंगे और चारों के चारों सेम लिगेंड होंगे, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर यही है, इनके बीच में एडजेसेंट जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। अब इसके अंदर ध्यान देना आप,
मैं इसको चेंज करता हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेता हूं। अगर इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा ए ए ए और ए। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किए हैं ये डिफरेंट है? नहीं है डिफरेंट, आइडेंटिकल है। अगर ये आइडेंटिकल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ये एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। आप किसी को भी बदल के देख लो, सेम स्ट्रक्चर आएगी एज इट इज। इसका मतलब ये हुआ एम ए फोर टाइप है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, तो ये जी आई शो नहीं करता, तो नो जी आई। या मैं कहूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने, जीरो। इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए जीरो। अब मैं बात कर लेता हूं सेकेंड की, एम ए थ्री बी, एम ए थ्री, तीन ए लगा दिए और एक मैंने लगा दिया बी, ठीक है। अब मैं चेंज करता हूं इसको, जब मैं इसको चेंज करता हूं तो देखो क्या होगा, मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया। अगर इन दोनों को चेंज कर दिया तो मेरे पास बना बी और ए। अब देखो चेक करना, ए के बिल्कुल एकदम 180 डिग्री पे कौन है, बी। या मैं चेक करूं ये जो बी है इसके एडजेसेंट में ए, इसके एडजेसेंट में ए और इसके अपोजिट में ए। यहां पे चेक करो बी है एडजेसेंट में ए, एडजेसेंट में ए और सामने कौन है ए, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर इनमें रिलेटिव पोजिशन सेम है लिगेंड्स की, तो ये दोनों की दोनों कैसी हो गई, आइडेंटिकल। अगर ये आइडेंटिकल हो गई मतलब ये भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। यानी कि आप क्लियर हो गया, सारे लिगेंड स्क्वायर प्लेनर में एक जैसे हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। अगर एक लिगेंड अलग है तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, ठीक है। तो ना इसमें होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, ना इसमें होगा। नेक्स्ट बात कर लेता हूं एम ए टू बी टू टाइप, एम ए टू बी टू टाइप। ध्यान देना, अगर मैं एम ए टू बी टू टाइप की बात कर रहा हूं तो इसको हम दो तरीके से इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइंड कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक तो ये तरीका जो मैंने इंटरचेंज करके देखा, ये एक दूसरा तरीका और है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझना इसको, एम ए टू बी टू टाइप। अब इसके अंदर क्या करें, सबको एक बार अलग अलग करके लिख लो, ए ए बी और बी, मैंने क्या किया सबको अलग अलग कर लिया। उसके बाद नीचे नंबर डाल दो 1 2 3 4, ठीक है। ये डालने के बाद अब क्या करते हैं हम, देखो मैं इनके पेयर बनाता हूं, पेयर बनाता हूं सबसे पहले 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, और जो बाकी बच गया उसका अलग पेयर बना देना। ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं 1 का पेयर बनाता हूं 2 के साथ, 1 का पेयर मैंने 2 के साथ बना दिया, बचे कौन 3 4, तो उसका पेयर बना दो। फिर देखो 1 का पेयर मैं बनाता हूं अब 3 के साथ, 1 का पेयर मैंने 3 के साथ बना दिया और जो बाकी कौन बच गए 2 4 बच गया। फिर मैं क्या करता हूं 1 का पेयर बनाता हूं 4 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ बना दिया तो बच गए कौन 2 और 3। यही पॉसिबिलिटी बन सकती थी पेयर बनाने के लिए, यही पॉसिबिलिटी अगर बन सकती थी तो हमने सारी पॉसिबिलिटी यहां पे लिख दी। अब देखो जहां पे ए, जिसके नीचे ए लिखा है वो ऊपर जो लिगेंड है वो लिख दो और सेम ऐसे ही पेयर इनको कन्वर्ट कर दो, 1 की जगह पे ए, 2 की जगह पे ए, ए ए और उसके बाद बी और बी, ये पेयर बना। नेक्स्ट पेयर 1 3, 1 पे क्या है ए और 3 पे कौन है बी, तो ए बी ए बी, ये दूसरा पेयर बना। नेक्स्ट है 1 4, 1 4 कौन है ए बी और 2 3 पे कौन है ए बी। अब इसके अंदर ये जो पेयर बने, इसके अंदर अगर कॉमन पेयर बन रहे हैं तो एक पेयर को काट दो, डिफरेंट डिफरेंट पेयर लेने हैं। देखो ये सेकंड वाला जो कॉम्बिनेशन है और थर्ड वाला कॉम्बिनेशन है ये सेम है, तो मैं किसी एक को लूंगा, इसको मैंने काट दिया, तो यहां से 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनानी हो, क्योंकि 2 कॉम्बिनेशन बने तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 होंगे, स्ट्रक्चर बनानी हो तो कैसे बनाओगे, देखो सेंट्रल मेटल एटम को बीच में लिखो, उसके बाद ये ए ए लिखा है, इसका मतलब है कि इनको 180 डिग्री पे रखना है, डायगोनली रखना है, ए के सामने ए रखना है, बी के सामने बी रखना है। तो पहली स्ट्रक्चर बन गई आपके पास, ए के सामने ए रखा, बी के सामने मैंने बी रख लिया। दूसरी स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये रहा मेटल, इसके अंदर क्या करना है, ए के सामने बी रखना है, ए के सामने मैंने बी रख दिया और ए के सामने बी क्या रखना है, बी, तो ए के सामने मैंने बी रख दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, अगर इसके अंदर आप देख पा रहे हो तो ए के सामने ए है, यहां पे ए के सामने बी है, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तो एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो यहां पे
इस टाइप की स्ट्रक्चर के, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। अब इसके अंदर ध्यान देना, इसके अंदर अगर देखो मैं एक बात यहां पे लिखवा देता हूं, एक बात यहां पे लिख लेते हैं। अब ये दो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गई, तो इनका नाम लिखते हैं तो हम अलग अलग वर्ड यूज करेंगे। देखो अगर आपके पास, अगर आपके पास सेम लिगेंड, सेम लिगेंड सेम साइड है, सेम लिगेंड सेम साइड, या सेम लिगेंड के बीच में, सेम लिगेंड हैव एंगल, एंगल 90 डिग्री, अगर या तो सेम लिगेंड सेम साइड में हो जैसे इसके अंदर है सेम लिगेंड सेम साइड, या उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री, तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सिस, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे सिस। अगर हमारे पास सेम लिगेंड अपोजिट साइड, सेम लिगेंड अपोजिट साइड, या मैं बोलूं सेम लिगेंड हैव एंगल, हैविंग एंगल 180 डिग्री, तो उसको, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ट्रांस, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले वाली स्ट्रक्चर है, जो पहले वाली स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये जो पहले वाली स्ट्रक्चर है इसके अंदर सेम लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में है या 180 डिग्री का एंगल है, सबसे अच्छा तरीका है एंगल देखने का, 180 डिग्री का एंगल है अपोजिट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रांस आइसोमर है, और ये कौन सा सेम लिगेंड सेम साइड, इसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर। अब इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, जैसे मैंने ले लिया पी टी एन एच थ्री ट्वाइस सी एल टू, इसी टाइप का लिगेंड है, देखो एक मेटल उसके बाद दो लिगेंड एक जैसे और दो लिगेंड एक जैसे। अब इसके अंदर देखना पहले वाली स्ट्रक्चर, जो ट्रांस वाली स्ट्रक्चर है वो बनाता हूं मैं यहां से पी टी, सेम लिगेंड अपोजिट में रखने हैं, सेम लिगेंड अपोजिट में, इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, तो ये हो जाएगा अमोनिया एन एस थ्री, ये हो गया एन एस थ्री, ये हो गया सी एल, और ये हो गया सी एल, तो ये कौन सा आइसोमर बना, ट्रांस आइसोमर। अगर मैं बात करूं पी टी सेम लिगेंड सेम साइड, यानी कि ए की जगह पे मैंने अमोनिया लिख दिया और ये हो गया अमोनिया, ये हो गया सी एल, और ये हो गया सी एल, तो ये कौन सा आइसोमर बन गया, सिस आइसोमर। तो इस तरह से हम एम ए टू बी टू के लिए क्या कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। अब एक मेथड तो ये हुआ, ये तो पहला मेथड है, दूसरा मेथड अपने पास जो मैंने पहले बताया था आपको कि एक की पोजीशन फिक्स करके इंटरचेंज करके देखेंगे लिगेंड, अगर लिगेंड इंटरचेंज करके देखें तो देखो सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से अब आपको समझा रहा हूं, देखना हम यहां तक आ चुके हैं, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, दो बचते हैं हमारे पास वो हम अभी देख रहे हैं। देखो सबसे पहले ये जो मेथड है, इस मेथड के अकॉर्डिंग दूसरा मेथड देखो एम ए टू बी टू के लिए, एम ए टू बी टू के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लो अपनी मर्जी से, मैंने बना ली ये वाली एम ए ए बी और बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, या इस तरह से बना लो, आपकी मर्जी है कैसे बना लो, एम ए ए बी और बी इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लो। अब इसके अंदर किसी एक की पोजीशन फिक्स कर दो, एक की पोजीशन फिक्स करने के बाद बाकी सबको रोटेट कराओ, और तब तक रोटेट कराओ जब तक ये यही वाली स्ट्रक्चर नहीं आ जाती, और उसके बाद जितने स्ट्रक्चर बनेंगे उनमें से जो कॉमन स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, उनको काट दो, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर काटने के बाद जितनी स्ट्रक्चर बची वही एक दूसरे का क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। देखो मैं करके दिखाता हूं, इसके अंदर मैंने ए को फिक्स कर लिया, ए को फिक्स करने के बाद मैं क्या करता हूं, इनकी इनको रोटेट करवाता हूं, जब इनको रोटेट करवाऊंगा तो देखो क्या होगा, ए तो एज इट इज यहीं पे, ये वाला ए आगे आ जाएगा, ए ये भी आगे चला गया बी, और ये वाला भी यहां पे आ गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा से रोटेट कराओ एम, अब जब रोटेट करवाते ए को मैंने रख रखा है फिक्स, अब इसके अंदर देखो अब इसको रोटेट करवाना है तो बी इसके सामने आ जाएगा, बी इसके सामने आ गया, ए आगे मूव कर गया और बी यहां पे आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से रोटेट करवाओ, जब फिर से रोटेट करवाओगे तो क्या होगा, देखो ए को एज इट इज रखना है, ए वापस चला गया, ये हो गया बी,
और ये हो गया ग्रीन, सेम यही वाली स्ट्रक्चर आ गई। अब रुक जाओ, अब इनमें से जो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है उनको काट देते हैं। आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कौन सी है, ये तो इसके बराबर है, सेम आइडेंटिकल, इसको काट दिया। अब इसके अंदर देखते हैं, देखो ए ए ए के ए एडजेसेंट में है, देखने का तरीका ए के ए एडजेसेंट में है, ए के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट बी है, ए के ए एडजेसेंट में है, ए के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट बी है, ये कट गया। इसको चेक करते हैं, ए के एडजेसेंट ए और ए के एडजेसेंट बी और ए के अपोजिट बी, ए के एडजेसेंट बी है, ए के एडजेसेंट बी है, अपोजिट में ए, तो ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ये कौन सा वाला हो गया, ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस, तो एक मेथड ये वाला है, बेस्ट मेथड है ये, इसमें पेयर बनाने इजी है और इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये बात समझ में आई। अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूं जो हमारा था एम ए टू बी सी टाइप। नेक्स्ट हमारे पास है एम ए टू बी सी, एम ए टू बी सी, इस पे मूव करते हैं। देखो एम ए टू बी सी के अंदर सेम वही करना है, सबसे पहले क्या करें, ए ए बी और सी अलग अलग लिख लिया, वन टू थ्री फोर, पहले पेयर बनाएंगे तो पेयर तो यही बनने वाले हैं, वन टू के थ्री फोर के, सेम इसी तरह से। अब देखो जहां जहां पे वन टू है और जिसको हमने वन माना है टू माना है उसके पेयर बनाते हैं। अब पेयर बनाऊंगा, सबसे पहले वन टू, वन टू कौन है, ए और ए का पेयर बना और दूसरा पेयर बी और सी का बन गया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास वन थ्री, वन थ्री पे कौन है, ए बी, ए बी और बाकी पेयर किसका बना, टू फोर, टू फोर पे ए सी। नेक्स्ट पेयर बनाते हैं वन फोर, वन फोर का पेयर बनाया तो ए सी और उसके बाद टू थ्री, टू थ्री का पेयर क्या हो गया, ए बी, ये हमने पेयर बना लिया। अब इसके अंदर अगर देखें तो पेयर सेम, जो सेम पेयर बन रहे हैं, आइडेंटिकल पेयर बन रहे हैं, उनको काट देते हैं। ये देखो ए बी ए सी, ए बी ए सी सेम पेयर है, इसको हमने कट कर दिया। ये कट करने के बाद मेरे पास दो ही कॉम्बिनेशन बचे, तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टू। स्ट्रक्चर बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी सिंपल है, मेटल लगाया, जो पेयर बना रखा है उसके अपोजिट में दूसरे को बिठाना है, मतलब ए के अपोजिट में ए, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट सी। इसी तरह से दूसरे वाले कॉम्बिनेशन लिखने बनाएंगे, ए के अपोजिट बी और ए के अपोजिट सी, कॉम्बिनेशन बन गए। इसके अंदर देखो सेम लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 180 डिग्री का एंगल है, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस। ये वाला कौन सा आइसोमर बना, देखो सेम सेम साइड यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, ये हो गया सिस आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने दो। एग्जांपल के साथ बात करें तो इसका जो एग्जांपल होगा वो हम ले सकते हैं पीटी NH3 ट्वाइस ClBr, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर देखो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं सी, तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएंगी, देखो ये हो गया आपके पास पीटी, ए को मैंने अमोनिया मान रखा है और ए अपोजिट रखे हुए हैं, तो ये हो गया NH3 NH3, इससे कंपेयर करवा दिया स्ट्रक्चर से, बी की जगह पे सी सीएल और सी की जगह पे बीआर, यानी कि सीएल और बीआर, तो पहली स्ट्रक्चर बन गई। इसमें सेम जो लिगेंड है वो 180 डिग्री पे है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांस, ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट प्लेटिनम, और इसके साथ हम क्या करेंगे, ए और ए यानी कि अमोनिया, ए को हमने अमोनिया मान रखा है NH3 और ये हो गया आपके पास बी और सी, यानी कि बी पे कौन आएगा, सीएल और बीआर, ये आपके पास सी आइसोमर हो गया। ये कॉम्बिनेशन हमने देखा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में देख लेता हूं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास एम ए बी सी डी टाइप, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है एम ए बी सी डी टाइप, मतलब एक मेटल आइटम है और उसके साथ लगे हुए सारे लिगेंड अलग अलग हैं, एम ए बी सी और डी, ठीक है। इसके अंदर देखो ए बी सी और डी अलग अलग लिखा, वन टू थ्री काउंट कर लिया मैंने, इसके अंदर नीचे नंबरिंग कर ली। अब इनके कॉम्बिनेशन तो यही बनेंगे, वन का टू के साथ, वन का थ्री के साथ, वन का फोर के साथ, यही वाले कॉम्बिनेशन बने। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग में इन जो लिगेंड हैं उनके कॉम्बिनेशन बनाता हूं, वन का टू के साथ यानी कि ए बी, उसके बाद सी डी, ठीक है। इसी तरह से वन का थ्री के साथ यानी कि ए सी
और उसके बाद 2 का 4 के साथ यानी कि बी डी। नेक्स्ट है 1 का 4 के साथ ए डी, उसके बाद 2 का 3 के साथ बी सी। ठीक है, इसके अंदर देखो सारे के सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं, तो यहां पे ये तीनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 3, क्योंकि 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इनकी स्ट्रक्चर बना दो, सबकी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो देखो मेटल ए के अपोजिट बी, ए के अपोजिट बी लिख दिया, सी के अपोजिट डी लिख दिया। ठीक है, ए के अपोजिट सी लिखा, बी के अपोजिट डी लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर, ए के अपोजिट डी, ए के अपोजिट डी लिखा, बी के अपोजिट सी लिखा। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगी। इसके अंदर हम सिस एंड ट्रांस नहीं बता सकते, क्योंकि सिस एंड ट्रांस की डेफिनेशन क्या थी कि एडजेसेंट, जो अगर आपके पास एडजेसेंट लिगेंड प्रेजेंट है, या मैं बोलूं दो लिगेंड के बीच में बोन्ड एंगल 90 डिग्री है, सेम लिगेंड के बीच है, तो हम उसको सिस बोलेंगे। यहाँ पे लिगेंड ही सेम नहीं है तो सिस और ट्रांस का जिक्र नहीं करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया पीटी NS3, उसके बाद CL BR I, और चार्ज आएगा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर -1। ठीक है, -1। अब इसके अंदर देखो, इसको मैं A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं, इसको D मान लेता हूं, तो इसकी स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी। सबसे पहली स्ट्रक्चर, इसको मैं पहली स्ट्रक्चर नाम दे देता हूं, ये सेकेंड है हमारे पास, ये थर्ड। तो जो पहली जो स्ट्रक्चर होगी, फर्स्ट स्ट्रक्चर, उसके अंदर मेटल यानी कि प्लेटिनम बिल्कुल बीच में, उसके बाद ए के अपोजिट बी, ए के अपोजिट बी यानी कि अमोनिया के अपोजिट सी एल, उसके बाद सी डी, सी पे कौन है बी आर और डी पे कौन है आई। पहली स्ट्रक्चर तो ये वाली बन गई। सेकेंड स्ट्रक्चर बनाता हूं, सेकेंड स्ट्रक्चर प्लेटिनम बिल्कुल मिडल में, उसके बाद ए के अपोजिट सी, अमोनिया के अपोजिट सी, सी पे कौन है ब्रोमीन, और बी के अपोजिट डी यानी कि सी एल और आई। सेकेंड स्ट्रक्चर ये वाली बन गई। अगर थर्ड वाली स्ट्रक्चर बनाता हूं तो थर्ड वाली स्ट्रक्चर क्या होगी, तो देखो प्लेटिनम बिल्कुल मिडल में और ए के अपोजिट में कौन है डी है, ए के अपोजिट में डी यानी कि आयोडीन, उसके बाद बी के अपोजिट में सी, बी के अपोजिट में सी यानी कि सी एल बी आर। इजी है, ये हमारे पास क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए, यानी कि किस तरह की स्ट्रक्चर हो गई, 3 तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे हो गई। और ये जो एग्जाम्पल था इसका, इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारा है, अगर मैं आपको बात करता हूं, देखो नेक्स्ट, ये तो हमने यूनिडेंटेड का केस देख लिया, मतलब लिगेंड के अंदर डोनर आइटम सिर्फ एक था। अगर लिगेंड बाइडेंटेड हो, बाइडेंटेड लिगेंड मतलब जिसके अंदर डोनर आइटम दो हो, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है वो एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्रिकल आइसोमर आइसोमेरिज्म टॉपिक खत्म हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर का। तो देखो जल्दी से, अब इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले बाइडेंटेड की बात कर रहा हूं, तो बाइडेंटेड के अंदर पॉसिबिलिटी बनाता हूं। सबसे पहले देखना एक बार, एम ए ए टू, मैंने ये कंबाइन करके क्यों लिखा, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है और ए ए मतलब डोनर आइटम सेम है, ए ए मतलब डोनर आइटम सेम है। जैसे अगर ए ए की जगह पे मैं ले लेता हूं ईन, इथाइलिन डायमाइन यानी कि CH2 CH2 NH2 NH2, तो इसके अंदर डोनर आइटम नाइट्रोजन है दो और दोनों आइटम सेम है, तो इसलिए मैंने ए ए टाइप लिख दिया। अगर इस टाइप का मेरे पास लिगेंड है, दो लिगेंड लगे हुए हैं, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, नहीं होगा। क्यों, सेम केस बन जाएगा एम ए फोर टाइप। कैसे, देखो अगर यहाँ पे मेटल आता है और इसी तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो नाइट्रोजन के अपोजिट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अपोजिट नाइट्रोजन, कैसे भी इंटरचेंज कर लो आप, कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हम नहीं ले सकते। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं ले सकते, सारी स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो, आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। सेम अगर मैं पॉसिबिलिटी ले लेता हूं एम ए ए और ए बी टाइप, यानी कि एक ऐसा लिगेंड लूं जिसके अंदर क्या हो, डोनर आइटम दोनों सेम हो और इसके अंदर डोनर आइटम अलग अलग हो, मतलब ये तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, और ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, तब भी शो नहीं होगा, ये केस बन जाएगा एम ए थ्री बी टाइप,
जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके अंदर भी नहीं होगा। फिर होगा कहां पे? होगा एम ए बी टू टाइप पे, मतलब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का केस, इनके अंदर शो नहीं होगा। नेक्स्ट है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड एम ए बी टू टाइप। इसका एग्जांपल ए बी टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड कौन है? तो है अपने पास जैसे ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन की बात करूं, ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर क्या होती है? ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर होती है NH2CH2C(OO)-। इसके अंदर एक तो ये आपके पास नाइट्रोजन डोनर आइटम होता है और एक ऑक्सीजन, दोनों डोनर आइटम अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे ए बी। कंबाइन करके क्यों लिखा? क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अब इस केस में देखना, इस केस में दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक तो ए बी इस तरह से हो या मैं इसको पलट दूं। तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी मेरे पास ये ए बी एज इट इज और ये हो गया बी और ए, सेम था इस साइड। अब मैंने इसको पलट दिया, अब देखो ए के सामने बी है और ए के सामने बी है, तो यानी कि और ए के एडजेसेंट में ए है, यानी कि सेम साइड के जो लिगेंड है वो 90 डिग्री पे है। ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? सिस आइसोमर हो गया। इसके अंदर सेम डोनर आइटम अपोजिट डायरेक्शन में, ये कौन सा हो गया? ट्रांस आइसोमर हो गया, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती इसकी। तो एक मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। अगर इसका हम एग्जांपल ले लें इस केस का, कि मेरे पास है प्लेटिनम पीटी ग्लाइसिन 2, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ग्लाइसिन ये वाला लिगेंड है। तो इसके अंदर देखो स्ट्रक्चर क्या क्या बनेगी। एक तो आपके पास रहेगा प्लेटिनम, इसके अंदर पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं NH2CH2C(OO) और ये ऑक्सीजन, ठीक है। सेम डोनर आइटम सेम साइड रखने हैं, यानी कि ये रहा आपके पास अमोनिया CH2C(OO) और, ठीक है। तो ये वाला तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग बन गया, मतलब ये कौन सा आइसोमर हुआ? सिस। अगर इसके क्रॉसपॉन्डिंग बनाता हूं तो ये रहा प्लेटिनम और ए हो गया आपके पास NH2CH2C(OO) और ये हो गया ऑक्सीजन। और इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे C(OO)CH2 और ये हो गया NH2, ठीक है। तो इसके अंदर सेम साइड के लिगेंड, सेम लिगेंड है, मतलब सेम डोनर आइटम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये ट्रांसफॉर्म, ये सिस फॉर्म और ये हो गया ट्रांस आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने? 2। तो यही था आपके पास, यही सारी पॉसिबिलिटी बनती थी, हर पॉसिबिलिटी को हमने चेक किया है। अब आप मेरे को जल्दी से बता दो कि मैं एक दो एग्जांपल लिख रहा हूं उसके अंदर कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन नहीं करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं PT EN twice 2 positive, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि EN क्या है? AA टाइप का लिगेंड है, यानी कि ये MAA2 इस टाइप का कंप्लेक्स बन गया। अगर ये कंप्लेक्स बन गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूं कि मैंने क्या किया, पीटी और ग्लाइसिन ले लिया एक, और दूसरा इसकी जगह पे मैं ले लेता हूं एक आपके पास सीएल और बीआर -1। तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा क्या? हाँ होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो। कैसे होगा? देखो एक आपके पास ये प्लेटिनम हो गया, अगर मैं ग्लाइसिन को ऐसे लिखूं, ये नाइट्रोजन डोनर आइटम है और ये ऑक्सीजन डोनर आइटम है, इस तरह से लिख देता हूं मैं, देखो सिंपलिसिटी के लिए, ये मैंने ग्लाइसिन लगा दिया, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी है, एक सीएल और एक बीआर, एक पॉसिबिलिटी ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? पीटी, इसको एज इट इज रखो और इसको चेंज कर दो बीआर सीएल। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, देखो नाइट्रोजन के अपोजिट बीआर, नाइट्रोजन के अपोजिट सीएल, तो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनी। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होंगे और वो कितने होंगे? 2। तो आई थिंक आप कर लोगे, जो स्क्वायर प्लेनर है उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप फाइंड कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को फाइंड करना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को बनाना।